तो भाई लोग, आज मैं इस बाइक पे व्लॉग अपना शूट करने वाला हूँ। लुक एट दी मशीन यार। देखो, मैंने आज से पहले कभी RR 310 चलाया नहीं था। जिस मोड पे भी चलाना चाहोगे ना, आपका डिस्प्ले ही चेंज हो जाएगा यार। हाथों से निकल रही थी यार ये बाइक यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया से होंगे। और ये रही अपाची RR 310। आज मैं इस बाइक पे व्लॉग अपना शूट करने वाला हूँ। लुक एट दी मशीन यार। सबसे पहले लुक देखो यार, लुक चेकआउट करो। देखो यार, मतलब कितनी फाड़ू लुक है यार, कातिल लुक जिसको बोलते हैं। और कलर भी रेड, ऊपर से एकदम मस्त लग रही है। और जितना इसके बारे में मुझे पता होगा भाई, मैं उतना ही बताऊंगा। सबसे पहले इसका मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बताऊँ आपको। तो सबसे पहले बताऊँ, मैं यहाँ पे अभी स्पोर्ट्स दिखा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे गियर शिफ्टिंग का बताता है, यहाँ पे टेम्परेचर का बताता है, और यहाँ पे फ्यूल का। और ये रहा ABS। बाकी मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ, जितना मुझे पता है मैं उतना बताऊँगा, क्योंकि एग्जॉस्ट सुनना ज़रूरी है। सो लेट्स मूव और करते हैं अपनी राइड स्टार्ट। और अरे भाई, भाई साहब, ये तो भागे जा रही है हाथों से यार। थोड़ा खींचते हैं। अरे भाई साहब, पावर क्या है यार इसमें यार, तोफ है तोफ। बात करूं सीट पोस्चर की, एकदम मस्त है यार, एकदम कंफर्टेबल बाइक है। ये जो इसका डिस्प्ले है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा डिस्प्ले है यार। मतलब एकदम सब कुछ इसमें बताता है यार। अगर इसको कोई नया नया बंदा चलाता है ना, इसने पहले चलाया नहीं होगा, और आपको ऐसा लगेगा ना कि ये बाइक ना हाथों से भाग रहा है, इतना पावर है इसमें। बाय गॉड यार, ये देखो टैंक इसका ना एकदम मस्त सा टैंक है। देखो जो लेग्स वगैरह ना इसके साथ जो रहती है ना क्लोज, एकदम कंफर्टेबल सी रहती हैं। और हैंडल भी बहुत प्यारा है, डिस्प्ले भी बहुत प्यारा है इसका। इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है, टाइम हो चुका है 8:30, और हमने प्लान किया था कि हम 7 बजे निकल जाएंगे, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। देखो भाई, नींद जैसे खुलेगी तो फिर वैसे एकदम जल्दी से नहीं होता। हमने सोचा हम दिन को राइड करेंगे, बट दिन को ना थोड़ा बंदा सुस्त जैसा रहता है यार। देखो भाई, मैं फर्स्ट टाइम इस मशीन को राइड कर रहा हूँ, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब दिल आ गया इस बाइक पे यार, बट उतना बजट नहीं है अपना, और अभी अवकात भी नहीं अभी इस मशीन को लेने की। अभी अभी ये बाइक न्यू आया है, तो पहले ये जम्मू में मिलता नहीं था, एक ही बंदे के पास होता था, बट उसने भी बाहर से लाया था, क्योंकि इसको RTO ने पास नहीं किया था। अभी इसको RTO ने पास किया, और एक ख़तरनाक मशीन आ गया जम्मू में, ये कह सकते हो बजट में भाई। वो भी भाई भाई भाई, क्या मतलब 131 चढ़ा बाइक ना, इतना कांप रहा है, मैं क्या बोलूं भाई। गॉड, मेरे ना होश उड़ रहे हैं यार। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बाइक भी कांप रही है और मैं भी कांप रहा हूँ बाइक के साथ, इतना वाइब्रेशन जैसा लगा मुझे इसमें यार। ये चीज मुझे समझ नहीं आई। अभी यहाँ पे सिद्रा में चेक करते हैं ना, थोड़ा खींच के, उसके बाद पता चलेगा। तो खींचते हैं अभी यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। ओहो, 150 टच किया, बट बाइक ना इतना कांप रहा है, माँ कसम यार, क्या बोलूं मैं आपको। वाह, निकल गई यार। मैंने KTM RC 390 भी राइड किया, बट मैंने उसको कभी 150 टच नहीं किया। इस मशीन को मैं टच कर रहा हूँ ना, मैन से एक ही प्रॉब्लम आ रही है, जो बाइक कांप रही है, बाकी पता नहीं चल रहा है 150 कैसे पहुँच गई है यार। और ब्रेकिंग कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा है यार। सो यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। मानना पड़ेगा इस मशीन को यार, मैं क्या बोलूँ, मतलब हाथों से निकल रही थी यार ये बाइक यार। अभी बाइक आपने भी बकाई, क्या लगा इसमें? देखा हैंडल कितना हिल रहा है, कौन सेट का कोई सीन है, वो चेंज कराना था। वाइब्रेशन लगता है ना, वाइब्रेशन इनकी वजह से, ये मैंने साइड खोल दी है ना उसकी वजह। तो यहाँ से भाई मोड सेट करा, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है यार, मैं ऐसी उंगली कर दूं कुछ हो जाए रास्ते में, बाइक बंद हो जाए और कुछ। यहाँ पर ऑन किया, ये आ गया अर्बन मोड। हाँ, रैन मोड को ऑन किया करोगे तो ये चलेगा अर्बन, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में, साइलेंस भी अच्छी रहेगी। हाँ, रेन मोड। हाँ, बारिश में जैसे प्रॉब्लम होती है तो। हाँ, तो आ गया स्पोर्ट्स मोड अपना। हाँ, तो स्पोर्ट्स मोड पे आपको पता है ये बाइक भागेगी। हाँ, स्पोर्ट्स मोड, वही इसको स्पोर्ट मोड ही लगा हुआ था। उस पे आ गया ट्रैक मोड, जैसे ऑफ रोड कहीं करने हम जा रहे हैं। हाँ, तो वो आ गया। वही इस पे चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मतलब आप जिस मोड में भी चलाना चाहोगे ना, आपका डिस्प्ले ही चेंज हो जाएगा यार, काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे, सेक्सी। और अभी मॉर्निंग की बात करें, सुबह सुबह कुछ ऐसा व्यू है सिद्रा का, एकदम अमेजिंग व्यू लग रहा है, क्या बोलूं मैं। और हमारे साथ इतनी सेक्सी मशीन, और व्यू तो ज़बरदस्त लगेगा ही। हम रखेंगे स्पोर्ट्स मोड।
भाई 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 क्या पिकअप है यार, व्हाट अ पिकअप मैन। चलो चलो देखो भाई, आरएस तो इसके सामने कुछ भी नहीं है यार। अभी मैं सिंपल चल रहा हूँ, उसने भाई ने फुल थ्रोटल दिया, मैं सिंपल चल रहा हूँ एक ही थ्रोटल से पीछे। जैसे भाई मैं 200 सीसी बाइक चलाता हूँ और 200 सीसी से मैं जंप करूँगा सीधा 300, 310 या 400 सीसी, वो तो है ही अलग साइड की पावर तो अलग लगेगी, बट मतलब ऐसा लगेगा मैं कुछ बहुत हैवी मशीन चला रहा हूँ, कंट्रोल नहीं हो पाएगी अपने आप में। अगर थोड़ी सी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ये ऐसी मशीन है यार, अपने ध्यान पूरा इस बाइक पर रखना है। यहाँ पे हमेशा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वे है ना, उधर से कोई भी गाड़ी रॉन्ग आ सकती है। ये ट्रक देखो कितने प्यार से चल रहे हैं साथ में यार, देख रहे हो। ओ भाई 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 भाई, गजब गजब गजब। देखो मैंने आज से पहले कभी RR 310 चलाया नहीं था, एक ही बार चलाया था थोड़ा सा, बट पूरा फील नहीं ले पाया था। आज मैंने पूरा बाइक चलाया और फील लिया, काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाता है जब बंदा बाइक चलाता है। देखो कहाँ ये बाइकें चलानी थी मैंने, अगर मैं व्लॉगिंग नहीं करता तो आज ये बाइकें कहाँ मुझे चलाने के लिए मिलती यार। और वैसे भी एक टाइम ऐसा होता था ना यार, मैं सोचता था यार कब मैं मतलब ऐसी स्पोर्ट बाइक चलाऊँ, बहुत बार सोचता था मैं यार, मैं कौन बनेगा मेरा दोस्त जो मुझे भी बाइक देगा। और मतलब मेरी एक आदत थी ना, अगर मैं किसी को दोस्त बनाता ना, बट मेरी आदत थी मैं बाइक नहीं मांगता था यार, मसला ये था यार, क्योंकि मुझे डर लगता था यार किसी की बाइक को कुछ भी होगा तो मैं क्या करूँ, फिर मैं कैसे उसको पैसे दूँ अगर बाइक टूट जाए, गिर जाए बाई चांस, तो काफ़ी कुछ होता है ना। कि हम अपने स्टंट पॉइंट पर पहुँच गए और यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं। सो भाई लोग काफ़ी सारा फोटो शूट किया हमने, रील्स वगैरह बनाई इंस्टाग्राम के लिए, और जिसने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी टाइम आ गया इस बाइक को बाय बाय करने का, और भाई चलाएगा अपनी बाइक और मैं चलाऊंगा अपनी बाइक, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा है इस बाइक को चलाने में यार, नेक्स्ट लेवल मैं क्या बोलूं? तो कोई मुकाबला नहीं है इसका, खतरनाक बीस्ट है यार ये तो। और इंस्टा पे जाके ज़रूर फॉलो कर देना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और मैं आपको भूल गया था अपने राइडिंग गियर्स बताना, देख रहे हो मैंने एकदम राइडिंग गियर्स पहने अच्छे से, बिल्कुल ओके रिपोर्ट, कोई सेफ्टी सबसे पहले। और निकलते हैं अभी यहाँ से, काफ़ी टाइम के बाद हम स्टंट पॉइंट पे रुके, वो भी इसलिए रुका मैं यार, मैं थोड़ा वीडियो शूट कर लेते हैं यहाँ पे, रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बैठे नहीं आए से पहले। देखो हमने स्टंट वगैरह कुछ मारे नहीं और ना ही हम स्टंट मारना चाहते हैं, हमें भाई सिंपल अपनी बाइक राइड करनी है, बात खत्म, हमें स्टंट वगैरह करने ही नहीं है, जो चीज़ नहीं आती उसको करना ही क्यों है। सो अरे भाई RR 310 है, कहाँ मानेगी मुझे यार। अरे भाई मारने की वाइब भी अलग होती है, क्योंकि थोड़ा इंसान ना फ्रेश सा होता है ना, और वीडियो भी अच्छा शूट होता है और दिमाग भी फ्रेश सा होता है, और दिन को निकलता है बंदा सुस्ती जैसी होती है। वैसे भी एक दिन के बाद व्लॉग डालता हूँ, बीच में एक दिन गैप रखता हूँ, एक दिन व्लॉग डालता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू व्लॉग करने से ना इंसान ना थक सा जाता है और प्रॉब्लम काफ़ी सारी आती है यार, काफ़ी प्रॉब्लम। ये मत सोचो कि यार मोटो व्लॉगिंग करना कोई इतना भी आसान नहीं है यार, आप करके देखो 10 दिन 20 दिन करोगे ना फिर आप बोलोगे नहीं यार काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, थोड़ा प्यार दिखाया करो वीडियोस पे यार। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और काफ़ी सारे बंदे बोल रहे हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे बशारत बाबा फेक फॉलोअर्स गैन कर रहे हैं, देखो भाई मुझे प्रूफ नहीं करना है कि भाई मैं मेरे रियल फॉलोअर्स है, भाई आपने जो समझना है समझो यार, मैं प्रूफ नहीं करना चाहता यार, बात सिंपल सी है, बाकी आपने क्या सोचना है वो सोचो, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे यार। जैसे ही बंदा थोड़ा आगे निकले ना यार, एकदम पीछे पड़ जाते हैं बंदे यार, जैसे हम ही यार, बाकी लोग भी हैं ना यार, उनको भी बोलो ना, अपने ही जो है ना अपने ही भरोसे वाले भोसड़ी वाले होते हैं। आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताना, होप सो कि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और आपको कैसा मज़ा आया व्लॉग देखने का वो भी आप RR 310 पे कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे। और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।